सत श्री अकाल साथियों, मैं हूँ इस समय अमृतसर में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अमृतसर पहुंच सकते हैं और अमृतसर में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिन्हें कि आप विजिट कर सकते हैं। अमृतसर एक ऐसा शहर जो कि अपने धार्मिक स्थलों के साथ साथ भारत को गौरवान्वित करने वाले इतिहास का भी परिचय देता है। आइए आप और हम मिलकर चलते हैं अमृतसर के इस सफर पर। अमृतसर दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर जाने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टेशन पर उतरते ही हमें गोल्डन टेंपल तक फ्री सेवा देने वाली बस मिल गई, जिसने हमें पहुंचा दिया महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू तक। यहां से गोल्डन टेंपल की दूरी मात्र 200 से 300 मीटर ही रह जाती है, जिसे कि हमने इन सुंदर सुंदर और साफ सुथरे रास्तों से पैदल पैदल तय किया। ये पूरा रास्ता हमें बेहद ही खूबसूरत सी दुकानों से सजा हुआ मिला, जिनमें की कपड़े, जूते, खिलौने, सभी तरह की दुकानें थीं। साथ ही मुझे बस में ही उड़ीसा से आई हुई ये फैमिली भी मिल गई और मैंने इन्हीं को ज्वाइन करके आगे का सफर किया। जैसे जैसे मैं मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा था, मुझे यहाँ की एक चीज सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी, जो थी यहाँ की साफ सफाई। मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाना अलाउड नहीं रहता, इसीलिए आप इन्हें बाहर काउंटर्स पर फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना सिर ढककर ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि आप चाहें तो रूमाल या फिर गुरुद्वारे के बाहर से मिलने वाले कपड़े से ढक सकते हैं। और फाइनली फिर हमने दर्शन किए स्वर्ण मंदिर के और यहाँ पर माथा टेका। स्वर्ण मंदिर में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए, साथ ही यहाँ के अन्य लोगों के लिए 2400 घंटे प्रसाद वितरण होता रहता है, जिसे कि लंगर कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग घाट बने हुए हैं। हम भी स्नान करने के बाद दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और मंदिर की इस खूबसूरती को निहारने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि हमें लगभग दर्शन करने के लिए 2 घंटे का समय लगा। दर्शन प्राप्त करने के बाद बाहर आने पर हमें प्रसाद भी प्राप्त हुआ। मंदिर के सामने से आने वाली इस मधुर धुन ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य 1577 में चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी द्वारा शुरू कराया गया था, जिसे कि पांचवे सिख गुरु गुरु अर्जन जी द्वारा 1581 में पूर्ण कराया गया। मंदिर के ऊपरी तल में पवित्र सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थान प्राप्त हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में आखिरी गुरु माना जाता है। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु कुछ समय यहाँ बैठकर एक अद्भुत शांति के पल प्राप्त करते हैं। मैंने भी यहाँ कुछ समय बिताया और चल दिया जलियावाला बाग की ओर।
जलियांवाला बाग। जी हाँ, यह वही स्थान है जहां पर कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। वैसाखी का वो दिन था जब यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि निहत्ते भारतीयों पर अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा लगातार गोलियों की बरसात कराई गई थी। ये बयान है रतन देवी जी का, जो कि अपने पति को ढूंढते हुए उस रात इस बाग में आई थीं। यहाँ उस रात की कहानी को प्रोजेक्टर के द्वारा भी दिखाया जाता है। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ रहा था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद बाणों अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। चेतावनी न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा भंग करने की घोषणा, केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और इनमें से लड़ने की नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत अपना सामना कर रही थी। छोटे बच्चों तक को नहीं बचा। बच्चों की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे, कुछ पानी में कूदे तो कुछ बच्चे बचाए। अपनी जान की रक्षा करते हुए बच्चे, बूढ़े और महिलाओं ने जिस कुएं में छलांग लगाई थी वो यही है, शहीदी कुआ। दीवारों पर बने यह निशान अंग्रेज सरकार के द्वारा बेरहमी से बरसाई हुई उन गोलियों के ही हैं। फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अटारी बॉर्डर के लिए ऑटो से चल दिए। ऑटो में ही मुझे ये प्यारी सी पंजाबी फैमिली भी मिल गई, जिनके साथ मैंने आगे का सफर किया।
सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम लगभग 4:30 बजे अटारी बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। हालांकि सर्दियों में यह परेड 4:15 बजे से ही शुरू हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। आप जब भी जाएं तो लगभग आधा घंटे पहले ही यहां पर पहुंचने की कोशिश करें। गर्मियों में यह परेड 5:15 बजे से शुरू होती है। और फाइनली मुझे उस मोमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला जिसके लिए मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। बॉर्डर पर हमारे देश की सेवा करने वाले इन बीएसएफ के जवानों को देखकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो उठी। कैसे ये इतनी खुशी के साथ अपनी जान की परवाह बिना किए हमारे देश की सेवा में सदा लगे रहते हैं। इस सेरेमनी के दौरान बॉर्डर के गेट को कुछ समय के लिए खोला जाता है, जहां हमें दूसरी तरफ पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर और वहां के लोग इस सेरेमनी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे जाते हैं। इस सेरेमनी का आयोजन दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से 1959 से प्रत्येक दिन होता आया है, जिसमें सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले दोनों देशों के जवानों के द्वारा अपने अपने देश के झंडों को उतारा जाता है। और इस तरह हमने बाघा बॉर्डर पर होने वाली सेरेमनी को एंजॉय किया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आ सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आप अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू करते हैं और स्लीपर टिकट लेते हैं, तब आपका ट्रांसपोर्ट का टोटल चार्ज लगभग 1,000 से 1,200 रुपए के बीच में रह सकता है। इसके साथ ही आप एक दिन में फूड का चार्ज 500 रुपए मान सकते हैं, और अगर आप स्टे करते हैं तो आप अगर शेयरिंग में रूम लेना चाहें तो 500 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। आप चाहें तो गोल्डन टेंपल, बाघा बॉर्डर और जलियावाला बाग केवल दिन के समय में ही कवर करके वापस जा भी सकते हैं, और अगर आप अगले दिन भी स्टे करना चाहें तब आपको एक दिन में और भी कई प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी। अगले दिन में आप गोविंदगढ़ फोर्ट, पार्टीशन म्यूजियम और राम तीर्थ मंदिर को देख सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का भी एक फेमस मंदिर है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी शहर से या राज्य से यह वीडियो देख रहे हो अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।